मंत्र हमारे अंदर सेवा भाव पैदा करता है। आपने भोजन भी बनाए, भोजन के पैकेट्स भी वितरित किए, मास्क भी बनाए, मास्क का भी आपने वितरण किया, सैनिटाइजर्स भी, कोविड पैंडेमिक से जो लोग पीड़ित थे उन तक पहुंचाने का काम आपने किया है। और इतना ही नहीं, चाहे आत्मनिर्भर भारत, चाहे फिट इंडिया कैंपेन अथवा हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्वच्छता, पर्यावरण एवं भारत के संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने में भी आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेरे कैडेट्स, मैं आपको हृदय की गहराइयों से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। चाहे मेडिकल हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या डिफेंस सेक्टर हो, आप जैसे नौजवान इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। और आप ही ऐसे नौजवान जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, आपने देखा सबसे पहले दो दो वैक्सीन का इजाद कर लिया। और जैसा मैंने कहा ना कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, द होल वर्ल्ड इज फैमिली फॉर अस, हम केवल भारत में यह वैक्सीनेशन का काम नहीं करेंगे बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी जहां जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर हम वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दुनिया के अन्य देशों को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। वार के दौरान भी, जब जब भी युद्ध हुआ है, हमारे एनसीसी कैडेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में आपने अपना रोल प्ले किया है। इसके लिए भी मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपने आर्म्ड फोर्सेस की मदद की है। ऐसे ही आपको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं कहा जाता। कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर है, इसलिए आपको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। चाहे 65 की वार हो, 71 की हो, हमने इनसे सबक सीखा है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में आपके रोल को देखा है और मैं आश्वस्त हूं कि भविष्य में भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमारा एनसीसी कैडेट उसी तरह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यह फैसला किया है कि एनसीसी का एक्सपेंशन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए और बॉर्डर एरियाज के भी जो क्षेत्र हैं वहां पर भी एनसीसी की ट्रेनिंग देनी चाहिए, कोस्टल एरिया में भी हम ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसे मोर देन 1100 स्कूल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, वहां पर भी एनसीसी का सिलसिला प्रारंभ होगा। मैंने कुछ गर्ल्स कैडेट्स को भी कमेंडेशन दिया है, मैं गर्ल्स कैडेट्स को भी मैं देख रहा था कि हमारे बॉय कैडेट्स उनके जिस तरीके से वो सामने आ रहे थे, जो चुस्ती दिखाई दे रही थी वही चुस्ती हमारे गर्ल्स कैडेट्स में हमको दिखाई दी है। हमें खुशी है कि पहले एनसीसी में जहां पर केवल 28% गर्ल्स कैडेट्स थी, आज उनका परसेंटेज बढ़कर अप्रॉक्सिमेटली 33% हो गया है। यह है भारत का विमेन एम्पावरमेंट। और सरकार ने फैसला किया है कि रोजगार के मामले में भी जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जहां तक मेरी जानकारी है वो प्रेफरेंस दिया जा रहा है। चाहे सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनको एडिशनल मार्क्स भी दिए जाते हैं। मेरे बहादुर जवानों, इस कैंप में पहुंचने के लिए महीनों महीने आपने कड़ी मेहनत की है, यह मुझे जानकारी दी गई है।
आपके इस डेडिकेशन को देखते हुए और इसके पहले भी एनसीसी कैडेट्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने फैसला किया था कि इनके अवार्ड्स में वृद्धि की जानी चाहिए और रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद यह मैंने कहा था और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वृद्धि उसमें हुई होगी। जहां तक मुझे याद है कि रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद एनसीसी की वेरियस कैटेगरीज में दिए जाने वाले कुल 143 अवार्ड्स की संख्या बढ़ाकर 243 कर दी गई है। ये हो गया है, ये हो गया कि नहीं, ये कर दिया गया है। मुझे याद है कि यह निर्णय मैंने लिया था उस समय, और साथ ही साथ ये जो मेडल्स मिलते हैं, कमेंडेशंस मिलते हैं, उनके साथ जो नॉमिनल कुछ धनराशि मिलती है उस पर मैंने कहा था इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए, शायद वह भी बढ़ा दिया गया। ये अवार्ड्स ये हौसला अफजाई के लिए होता है, जिसको मिलता है उसकी भी हौसला अफजाई होती है, हौसला बुलंद होता है, हौसला बढ़ता है। और इंसान का ये हौसला बुलंद हो तब तो वह आसमान का भी सीना चीरने की ताकत रखता है, बुलंदी उसके अंदर यह होती है। इसीलिए आप सबको अवार्ड दिए जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस कैंप में शायद एक महीने का समय आपने गुजारा है, मौज मस्ती भी की होगी, परिश्रम भी किया होगा, और कभी नौजवान है तो थोड़ी बहुत इधर उधर की, जिसे कहा जाए कि बचपन की जो कुछ शरारतें हैं वो भी किया होगा आपस में। पहले आपने सोचा होगा कि हमारा एक महीने का समय कैसे गुजरेगा, लेकिन शायद एक महीने का समय गुजर गया होगा, आपको पता नहीं चला होगा कि यह समय कैसे गुजर गया। मैंने भी कैंप किया है, एक महीने का तो नहीं किया, 15 दिन का कैंप किया है एनसीसी कैडेट के, लेकिन आज भी उस कैंप की यादें हमारे दिमाग में पूरी तरह से तरोताजा है। कैसे प्रातःकाल सुबह हम 4 बजे उठते थे, तुरंत 1 घंटे के अंदर तैयार होकर फिर हम सबको मैदान में फालन होना पड़ता था, सारी घटनाएं पूरी तरह से ताजा हैं। और मैं समझता हूं कि आपके अंदर भी जितने भी जिंदगी में एनसीसी कैंप्स करेंगे सारी यादें ताज जिंदगी पूरी तरह से तरोताजा रहेंगे। आज के अवसर पर इससे ज्यादा मैं कहते हुए जिन हमारे कैडेट्स को रक्षा मंत्री पदक मिला है, कमेंडेशंस मिले हैं, इन सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ नए वर्ष की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी। परंपरा यहां है अथवा नहीं है, आयु में बड़ा होने के कारण आप सबको हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद भी मैं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अ मोमेंटो विल बी प्रेजेंटेड टू श्री राजनाथ सिंह, ऑनरेबल रक्षा मंत्री बाय DGNCC। मे आई नाउ रिक्वेस्ट द डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर to present a memento to the Honorable Raksha Mantri.